मुल्क की सियासी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। रोजाना की बुनियाद पर नए तज्जिए, नए तबसरे, नई खबरें आप सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इसी हवाले से कुछ बातें मैंने आपके गोश गुजार करनी है और मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर खास तौर पे आज की इस वीडियो में हमने कुछ डिस्कशन करनी है। और मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूँ कि अगर तो आप जज्बाती या किसी पार्टी के साथ वाबस्तगी की बुनियाद पर ये बातें सुनेंगे या फिर आप खबरें सुन रहे हैं और उनपे अपना जो तबसरा है या अपने जहन में उन सब चीजों को अगर आप डीकोड कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जज्बाती वाबस्तगी को आगे रख रहे हैं, तो आप कतई तौर पे कोई सही नतीजा अख्ज नहीं कर सकते इस सूरत हाल से। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप अपने आप को नथी कर लेते हैं ना किसी एक जमात के साथ, तो फिर आप जिसको चाहते हैं उसकी कोई गलती आपको गलती नहीं लगती और आपको सच जो है वो नजर नहीं आता। इसी वजह से क्योंकि हमारे सियासी निज़ाम की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर जितनी भी पार्टीज हैं, सियासी शख्सियात हैं या सियासी जमातें जो हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ छोटी बड़ी गलतियां की हैं। और उनमें एक बहुत बड़ी गलती जो हमेशा से पाकिस्तान में होती आई है वो ये है कि ट्रस्ट कर लिया जाता है, डील कर ली जाती है गैर सियासी कुव्वतों के साथ और फिर उस बुनियाद पर अपना आगे का लायहा अमल तय किया जाता है। वोट को, इलेक्शन को, इंतखाब को एक तरफ रख दिया जाता है और फिर जो कुछ भी हो रहा होता है वो गैर जमहूरी गैर सियासी दर्ज अमल बन जाता है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की तरफ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, कुछ उनकी जो सबका जो गुज़िश्ता उनकी एसोसिएशंस थी पीडीएम के दौरे हुकूमत में उसकी बात कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही थी, अब ये पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, पहले धांधली का शोर नून लीग के साथ मिलकर मचा रहे थे। तो ये सारी बातें करने से पहले मैं एक चीज तो मजीद मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि जो अवामी मैंडेट होता है, जो अवाम के वोट होते हैं, जिस तरह से हमने भी एक इसी तरह का नारा लगाया वोट को इज्जत दो वाला और फिर उस नारे पे पहरा देने की पूरी कोशिश की, वो अवामी मैंडेट जो है ना वो सबसे ज्यादा मुकद्दम होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे जब आप जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरी जो भी मुआशरा होगा वहां पर जमहूर इसी चीज का नाम है कि ज्यादा लोगों ने जो भी फैसला कर लिया है उस फैसले का खैर मकदम किया जाएगा। अब कता नजर इस चीज के कि आप किसी और फिलॉसफी को बीच में लेकर आए और आप ये तय करें कि क्या ज्यादा लोग ठीक फैसला कर रहे हैं या गलत फैसला कर रहे हैं, ये बात की बात है। जब आपने एक सिस्टम तय कर लिया और उस सिस्टम के तहत आपने हुकूमतें चलानी है, निजाम चलाना है, मामला चलाने हैं, तो फिर आपको उस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर फॉलो करना चाहिए, जो कि यहाँ पे कभी भी नहीं हुआ। और यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है हमेशा कि जब भी किसी को सपोर्ट मिलती है, गैर जमहूरी सपोर्ट जिस पार्टी को भी मिलती है, वो फौरन आंखें बंद करके बाकी सबके साथ होती नाइंसाफी को देखने लग जाता है और वो फिर आपके सामने है कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो मौलाना फजलुर रहमान की जो सिचुएशन है, अगर आप उनकी ये जंग देखें ना, तो आप उनको एक जीरक सियासतदान के तौर पर कम अज कम मेरे तजिये या मेरे तबसरे के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप ये देखेंगे कि उनकी जंग देखें आपके किसके खिलाफ है, वो किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। उनका मकसद 2013 के इलेक्शंस में आप देख लें, 2018 के इलेक्शंस में आप देख लें और अब 2024 के इलेक्शंस में आप देख लें, उनका मकसद यही रहा है कि अवाम ने जिस किसी को भी वोट कास्ट किए हैं उसको इक्तदार में लाया जाए, उसको ईवान में मौका मिले नुमाइंदगी करने का और वो आगे आए 2018 में। अब यहाँ आज जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बन गई है पार्टी धांधली के हवाले से, वो ये भूल गई है कि 2018 के इंतखाबात में उन्होंने कैसे कैसे फायदे उठाए थे और उन सारी की सारी बातों के ऊपर आप पिछले 5 साल का अगर आप मीडिया का रिकॉर्ड ही चेक कर लें तो आपको नजर आएगा कि उस वक्त इन्हीं अदारों के बारे में और जितने भी दूसरे कौमी इदारे हैं उनके बारे में जो गुफ्तगू की जाती थी, क्योंकि सपोर्ट मिल रही थी, हर तरह से शेल्टर मिल रहा था, कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं थी, कोई डेटरेंस नहीं थी, कोई इनको रोकने वाला नहीं था, तो ये उनके हक में बातें करते रहते थे, हर वक्त उनका दम भरते थे, इनको अदलिया से भी फैसले अपनी मर्जी के मिल जाते थे तो अदलिया की भी तारीफ की जाती थी। इस पार्टी का तहरीक इंसाफ का एक ये तरीकेकार रहा है शुरू से, बल्कि तहरीक इंसाफ को छोड़ के अगर इसके चेयरमैन की बात की जाए तो उनका ये तरीका रहा है कि जो कोई उनकी फेवर में बात करता है, जो उनको सपोर्ट करता है, उनको ठीक कहता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इज्जत करते हैं, उसी को वो कुछ समझते हैं, कोई उसका मुकाम उनकी नज़र में होता है, अदरवाइज जो भी उनसे कोई इख्तलाफ करता है चाहे वो अपना बंदा है या बाहर का बंदा है उसको फारिग कर देते हैं, चाहे वो कोई कौमी इदारा है जो भी है वो उसको कुछ नहीं समझते। तो उस वक्त ये सब कुछ इन्होंने इंजॉय किया, सारा कुछ इनको इनकी फेवर में था, तो इनको नहीं ये चीज़ें पता लगी, 2018 के इंतखाबात की बात करो। लेकिन मौलाना उस वक्त भी एक ऐसे ही नज़रिए के साथ और एक ऐसे ही बयानिए के साथ डटे हुए थे कि वोट की तकरीम की जाए, ये नारा तो नून लीग का था लेकिन बहरहाल मौलाना ने पीडीएम की भी सरबराही का जो इसको तोक कहना चाहिए वो अपने गले में डाला। अभी तक इंटरव्यूज जब वो दे रहे हैं तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जी कल तक तो आप ये जमातों के सियासी इत्तेहाद का हिस्सा थे और इसकी सरबराही कर रहे थे, आज आपको क्या हुआ? तो आज मौलाना को यही हुआ कि मौलाना ने ये चीज ऑब्जर्व की है
कि जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जिस किस्म की भी, मैं धांधली के हवाले से, कोई ऐसा मेरा नज़रिया नहीं है कि पूरे मुल्क के रिजल्ट्स को और इंतखाबात का जो नतीजे हैं उनको चेंज कर दिया गया। मैंने मैनिपुलेशन की बात पहले की थी, वही मैनिपुलेशन की बात मैं अभी भी कर रहा हूँ कि ये भी बदकिस्मती है कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर, एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकार जो है वो एक नामुमकिन सी बात है। फॉर्म 45 और 47 के ऊपर ज्यादा डिस्कशंस हो रही हैं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये। आप जो इस प्रोसेस को समझता है, इलेक्शंस के प्रोसेस को, पोलिंग के प्रोसेस को जो अंडरस्टैंड करता है, वो जानता है कि धांधली को कितने आराम से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है और उसको पकड़ा जा सकता है कि जी इलेक्शन डे पे हुआ क्या था, मुकम्मल एक निज़ाम बनाया जाए। मसला यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि सारी हरकतें करने वालों के साथ जब खुद हरकत हो जाती है तो फिर वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। जब उनके पास कुव्वत होती है, इकतदार होता है, इख्तियार होता है, तो वो इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन को या इलेक्शन की शफाफियत को, इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए कुछ भी नहीं करते। तो मैनिपुलेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस सेंस में कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक हलके का, जिस हलके में मैंने वोट कास्ट किया उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि वहां पे जमाते इस्लामी के कैंडिडेट को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, कहीं पे 20, कहीं 25, कहीं 50, कहीं 100, मतलब कोई गली पूरी की पूरी उनकी थी, कहीं पे उन्हें 2, 4, 8, 10 वोट पड़े। ये फॉर्म 45 पे चीजें रिकॉर्ड हुई, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि किसी जमात इस्लामी को, मैं एक मिसाल के तौर पे उसकी बात कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी एक ऐसी सियासी जमात है कि उसका हर पोलिंग स्टेशन से ना एक आधी फैमिली या 2, 4 फैमिलीज का लिंक लाजमी होगा कि उन्होंने वहां पे जमात इस्लामी को वोट कास्ट किया होगा। अब वो जो वोट कास्ट किया था फॉर्म 45 में तो वो नजर आया, लेकिन 47 में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ये वो मैनिपुलेशन है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि ये चीजें कुछ इस तरह की, मतलब अब इसको जैसे कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कमिश्नर रावलपिंडी की, और उसमें उन्होंने 50-50 हजार की लीड का जिक्र किया कि लोग इतनी लीड से जीत रहे थे, इतने बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, हमने रिजल्ट्स को चेंज कर दिया। तो ये इटसेल्फ ये उसी मखलूक का बयान था जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की है कि एक स्पेशल किस्म की मखलूक प्रोड्यूस कर दी है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स से बिल्कुल आ रही है, और सिर्फ उस बात को सेकंड करना जो उनके हक में जा रही होगी। ये कमिश्नर साहब, उसके बाद कमिश्नर के हवाले से भी काफी अपडेट सामने आई हैं, उनका कोई वीजा वगैरह भी अमेरिका का जो है वो पकड़ा गया है, और उनकी कुछ मुलाकातें और वो जिन लोगों के साथ रबते में थे वो सारी चीजें, खैर उस पर एक कमेटी बन गई है और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी ना, उन्होंने ऐसी बात कर दी कि जी रावलपिंडी के जितने भी हलके थे, पीपी के भी, प्रोविंशियल असेंबली के सूबाई भी और कौमी भी, सारे हलकों में 50-50 हजार की लीड से, ये तो बिल्कुल ऐसी चीज उन्होंने कह दी जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही उमर यूब की एक स्टेटमेंट आई कि फरिश्तों ने जनाब कोई दिल के अंदर बात डाल दी, 3 करोड़, 3.5 करोड़ लोगों के दिलों में कुछ डाल दिया, जिसके बाद वो वोट कास्ट करने एक स्पेशल किस्म की जमात को बाहर निकाले। तो खैर दोबारा मैं मुद्दे पर आता हूँ कि इलेक्शन की मैनिपुलेशन को हम लोग निगेट नहीं कर सकते, होती है, हमारी बदकिस्मती है, लेकिन इस तरह से नहीं होती जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं। और इनके साथ जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ वालों के साथ, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन्होंने, जब इनके पास इख्तियार था, जब इनके पास ये ताकत थी कि ये जमहूर को फरोग दे सकते थे और जमहूरी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी सी सेक्रीफाइस करके लोगों को साथ मिला जुला के ये बहुत कुछ कर सकते थे, उस वक्त भी इनके प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी जमातों के सपोर्टर्स को कैसी कैसी उनके बारे में उफ्तरा परदाजियां की, उनको उनको कैसे कैसे अलकाबात दिए, तो ये तो बिल्कुल भी कोई जमहूरी तर्ज अमल है ही नहीं। तो अब जाहिर सी बात है जब इनके साथ हो रहा है तो दूसरे लोग हैं उन्हें भी, वो भी दर्द सर नहीं लेंगे इसका, और यहाँ पर ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन ऐसे ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में एक शख्स ऐसा है कि जो कल भी उन लोगों के साथ था जिनके साथ नाइंसाफी हुई, और आज फिर वो उन लोगों के साथ आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, या फिर चूंकि बहुत जीरक और जहांदीदा सियासतदान है इस वजह से वो छुपा रहा है कि वो क्या करने वाला है। अभी तक उन्होंने खुल के पीटीआई की हिमायत नहीं की या उसके साथ किसी मुआहदे की या अलायंस की कोई बात नहीं की, लेकिन महसूस ऐसा ही हो रहा है कि वो मतलब इस चीज के ऊपर थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं कि हमें उनके साथ शामिल हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं कि मुस्लिम लीग नून, जिस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए थे ना, मैं उन लोगों में से था जो ये चीज कहते थे कि नवाज शरीफ वजीरे आजम बनने की लालच में वापस नहीं आए, वो इस इक्तदार को अगली जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए वापिस आए हैं। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जिन्हें ये लगता है कि वो मुल्क को बचाने के लिए वापिस आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक उनके दिल में ये ख्यालात हों, लेकिन बहरहाल वो एक सियासी आदमी है और वो जो आगे सारी मेहनत हुई है उस मेहनत का समर अब बकायदा तौर पर आगे उसको शिफ्ट करना था, उसे ट्रांसफर करना था, जिसके लिए उनका वापस आना जरूरी था, तो वो इस वजह से वापस आए थे। उनकी अपनी बेशुमार गलतियां, इनकी तो पार्टी जो है वो गलतियों से भरी हुई है, और इनको बताने वाले भी पता नहीं किस तरह की हैं कि इनको आज तक
इन चीजों की तरफ इनका, मतलब पिछले 10 सालों से शोर मचा हुआ है यूथ का, लेकिन मुस्लिम लीग नून को आज तक ये समझ नहीं आई कि हमने नौजवानों को ऑन बोर्ड कैसे लेना है, उनको किस तरह से बताना है कि हम आपके लिए मुफीद हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर सोशल मीडिया है, तंजीम साजी है, टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम है, ये सारी चीजें इस किस्म की हैं कि जिनकी वजह से वही रवायती तर्ज अमल है सियासत का, और फिर उसके नतज जब इलेक्शन में भुगतना पड़े हैं। ये जो इतना ज्यादा वोट कास्ट हुआ है, आप चाहे रिजल्ट को जिस तरह से भी देख लें, मैं तो इसको कहता हूँ कि आप मुल्क की अगर सबसे बड़ी सियासी जमात थे तो अब नहीं है। अब आपको उन्हीं नशिस्तों के ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि जी वो नशिस्तें आपसे छीन ली गई हैं, और आपकी अपनी बड़ी नशिस्तों पे ऐसे ऐसे लोग, ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग जिन्होंने मेहनतें की और जिन्होंने वाकई रिजल्ट्स और प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस वगैरह दिखाई, उन लोगों वो बेचारे हार गए, इतने इतने बड़े बुर्ज उलट गए। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां इस किस्म की हुई हैं, और इन्हीं गलतियों में एक गलती जिसको उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने हाईलाइट किया, इकतदार की लालच थी, और वो इकतदार की लालच जो थी वो तरीके अदम एतमाद की सूरत में, और फिर उसके आगे बाद पीडीएम का क्याम और ये सारा कुछ जो भी आप लोगों ने देखा, उसके इतने गलत नतीजे भुगतना पड़े। तो मौलाना जो है वो आज एक मरतबा फिर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका जो तर्ज अमल है वो कुछ इस टाइप का है कि जैसे उन्होंने 2013 की हुकूमत में इस चीज को रियलाइज किया था, 2013 के इलेक्शन में, कि पीडीआई को केपीके में गवर्नमेंट नहीं बनाने देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की पर्सनैलिटी को और उसको थोड़ा सा डी कोड कर लिया था, डी मिस्टिफाई कर लिया था। वो आगे वाले हालात को देख रहे थे कि ये लोग इस चीज पर हमारे मशहूर नहीं होंगे कि हमने जमहूरी अमल को फरोग दिया, बल्कि ये यही कहेंगे कि जी ये बाकी पूरे इलेक्शन पे नजर रखेंगे। उन्होंने वही किया, केपीके में गवर्नमेंट बनाई 2014 से, ये सारा प्रोटेस्ट और धरने और ये वो सब कुछ पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश शुरू की, और 2018 तक ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा। बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके उन्हें रोकना पड़ा, तो अपनी उनकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो रही। अब 2018 के इंतखाबात जब हुए तो उस वक्त उनका तोती बोल रहा था, और उनका जो था वो उंगलियां घी में थी और सर कढ़ाई में था तहरीक इंसाफ का। तो उस वक्त मौलाना ने फिर दोबारा, आपको वो सारे लतीफे और वो सारी गुफ्तगू याद होगी निके दा अब्बा वाली, कि उस वक्त मौलाना ये बात किया करते थे कि जी ये निके दा अब्बा करवा रहा है सब कुछ, और ये सारी बातें होती थी। तो उस वक्त मौलाना ने जमहूरी कुव्वतों का साथ दिया और पूरी तरह कोशिश की कि जो मतलब जो डेमोक्रेसी है वो प्रिवेल करे। अच्छा, अब जब 2024 आ गया है तो मेरे ख्याल में इस किस्म का ये जो मैंडेट, इसको ये खींचातानी चल रही है और जबरदस्ती छीन के लिया जा रहा है पीपल पार्टी और नून लीग की तरफ से, इसके मौलाना अगेंस्ट है। वो भीख में मिले हुए इक्तदार के अगेंस्ट हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि जो जिस चीज को सिलेक्ट किया जा रहा है, बजाहिर जिसकी हवा है उसकी तरफ जाया जाए, क्योंकि ये चीज नून लीग और पीटीआई को, अपना पीपल्स पार्टी को समझने की जरूरत है कि इस किस्म का इकतदार उन्हें किसी तरफ नहीं लेके जाएगा। पिछले 10-15 साल की स्टोरी है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का नाम खराब हो रहा है, और बदकिस्मती के साथ ये जो पिछले 1.5 साल की हुकूमत आपने ली है, घर बैठ के जो लोग इलेक्शन जीत रहे थे उनको 1.5 साल की इस हुकूमत की वजह से इतना कुछ भुगतना पड़ा। तो मेरे ख्याल में मौलाना का स्टैंड जो है वो बिल्कुल ठीक है, और वो इनके साथ उनकी जो अभी तक कुछ सेटिंग नहीं हुई पीएमएलएन के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ, उसकी वजह भी यही है। फिर उसके बाद मौलाना जो है वो पीपल्स पार्टी की नेचर को भी बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। पीपल पार्टी की नेचर बेसिकली जरदारी साहब की नेचर है, इस वक्त वो बन चुकी है, पिछले तकरीबन 10 साल से बन चुकी है जब से जरदारी साहब पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो जरदारी साहब जो है उनकी पोलिटिकल विजडम को आप जितना मर्जी एडमायर करें, और उनकी सियासी जो चालबाजियां हैं उन सबको जितना मर्जी आप एडमायर करें, लेकिन उनकी मॉरल कमिटमेंट्स को, या फिर जैसे एक एक बहुत कोई मतलब नस्ली किस्म का सियासतदान जो कुछ करता है, उन चीज़ों का आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और मौलाना उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते, और नून लीग को भी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। नून लीग के साथ बेशुमार हाथ उन्होंने किए हैं, मुख्तलिफ मौके ऐसे हैं जिन पे, जैसे ये पीडीएम का ही रिसेंट वाक्य है कि पीडीएम को उन्होंने लीड नहीं किया सिर्फ इसी वजह से कि जो हाल आज नून लीग का, और उन्हें पता था हमारा होना है, तो वो नहीं सामने फ्रंट फुट पे नहीं आए, और आज वो जैसे ही पीडीएम का वो इश्तराक का टाइम गुजरा है, उसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन इन लोगों ने किया, तो आप देख लें कि कैसे कैसे उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और नून लीग वालों को उन्हीं के साथ उठते बैठते रहे हैं और उन्हीं के साथ। तो खैर, मौलाना जो है वो इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, और मौलाना जो है वो वोट के साथ किसी भी तरफ आप देख लें, वो वोट के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं। वो बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने दाखिली इस्टेब्लिशमेंट और आलमी इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया कि जी हमें, हम उन लोगों को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और उनकी ज्यादतियों के खिलाफ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो सियासी पार्टियां और कायदीन हैं वो आपस में इत्तेहाद बनाएं और कुछ डायलॉग के साथ
समझौतों के साथ मिल बैठ के गुफ्तगू करने के साथ इस किस्म का जमहूरी हल निकालें जिसमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जा सके, जिसमें किसी को अपना नुकसान नजर ना आए, सबको अपना भी फायदा नजर आए और वो फायदा इज्तमाई मजमुई कौमी फायदे में भी उसको कन्वर्ट किया जा सके। लेकिन ये वतन अजीज की हिस्ट्री है कि यहाँ पर इकतदार की ख्वाहिश में बहुत सारे अंधे गलत फैसले किए जाते हैं और इसी किस्म के फैसले अब आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पीटीआई जो है वो इट सेल्फ लीडरशिप का फुकदान है इस वक्त, उसमें मतलब जो मर्जी कर लें आप, जाहिर है जिस तरह से फ्रंट फुट पे कोई लीड करता है वो तो मौजूद नहीं है। उसकी यही वजह है कि आपने देखा कि उमर अयूब जो है वो एक तरफ मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ जो है वो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। एक बंदा कह रहा है कि हमें हुकूमत बनानी है, एक बंदा कह रहा है हमने अपोजिशन करनी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इनका जो एक अगर आप रिजल्ट निकालें तो वो यही निकलता है कि खुद भी ये क्लियर नहीं है बिल्कुल भी कि इन्होंने करना क्या है। इन लोगों ने ये सारी पार्टियां आपस में मिल बैठ के भी सिर्फ इनको ये है कि हमें हुकूमतें मिल जाएं, हम इकतदार में आ जाएं, जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है या विजन होता है उससे बिल्कुल ये लोग उसका फुकदान है। और नतीजे के तौर पर होगा क्या कि जो भी हुकूमत आएगी अगर वो इसी तरह की अफरा तफरी के आलम में कोई इत्तेहाद बनता है और फिर हुकूमत आ जाती है तो डेफिनेटली वो डिस्टेबिलिटी का शिकार रहेगी। जिस किस्म की अपना उसको चाहिए सपोर्ट चाहिए या जैसी उसको कह लें कि इंटरनल कैपेसिटी और स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल मिसिंग रहेगी। नतीजा उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान की मजमुई जो एक मईशत की सूरत हाल है उस पर भी पड़ेगा, सियासी सूरत हाल पर भी पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आने वाले इलेक्शंस में अगर तो इस वक्त भी इनके जहन में यही सब कुछ है जो पीडीएम वाले टाइम में इनके जहन में था, सियासी जमातों का इत्तेहाद करने वाले जो लोग हैं उनके जहन में कि हम जनाब अगर हमें गवर्नमेंट मिल जाती है तो हम परफॉर्मेंस दिखा के और कुछ इसी तरह के मुआशी और इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ऊपर नीचे करके अगले इलेक्शंस में वोट ले लेंगे या लोगों के जहन में या दिल में जगह बना लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने नौजवानों को छोड़ा हुआ है एक साइड पर और एक जमात ऐसी है जो मुसलसल नौजवानों को फोकस कर रही है और उन्होंने किस किस्म का कल्ट बना लिया कि आप उनके दिलों से महात्मा की मोहब्बत को बाहर नहीं निकाल सकते। आपने अभी तक मतलब एक तवील अरसे से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और आपने कौमी सतह पर बैठ के तो बड़ी दफ़ा मीडिया के सामने ये बातें की हैं कि नौजवानों के हाथ में देना है मुल्क की भाग दौड़ और मुल्क को हमने नौजवानों ने ही चैलेंजेस से निकालना है। ये सारी बातें जो हैं ये सियासी बयानात की हद तक तो आप करते रहे हैं लेकिन नौजवानों को बाकायदा तौर पर टारगेट ना आप लोग कर सके हैं, ना नून लीग वाले कर सके हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले कर सके हैं और ना ही कोई और ऐसी जमात है जो पीडीआई से ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज में नौजवानों को टारगेट कर रही हो। तो इन लोगों का वोट बैंक जो है वो बढ़ता रहेगा। परफॉर्मेंस आप जितनी मर्जी दिखा लें, जो मर्जी आप कर लें, आने वाले 3-4 सालों में अगर कोई इत्तेहादी हुकूमत बनती भी है तो उसका फायदा कोई नहीं होगा। तो अगर तो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बिलावल साहब और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी मरियम साहिबा आइंदा आने वाले इलेक्शंस में ये वजारत उज़्मा के मनसब के ख्वाहां हैं कि जी हम वजीर आज़म और इस किस्म की कोई उनके गोल्स या विजन है तो उसके लिए इस वक्त जो भी फैसले करने हैं वो बहुत ज़रूरी है कि दानिशमंदी के साथ किए जाएं और किसी किस्म की लालच में और अफरा तफरी में बिल्कुल भी ना किए जाएं। और मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ के मुताबिक और उनकी सरबराही में या उनके साथ उनका जो भी मतलब इस हवाले से जैसे भी वो सजेस्ट करते हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो बजाय इसके कि अपने लोगों को आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए छोड़ दें कि जी मौलाना फजलुर रहमान ने ये कह दिया, उसका नाम ले दिया, उसका नाम ले दिया, कल ये कह रहे थे आज ये कह रहे हैं, उसकी बजाय बेहतर यही है कि मिल बैठ के बात की जाए और मजमुई खुशहाली के लिए, कौमी खुशहाली के लिए कोई कदम उठाया जाए।